हेलो फ्रेंड्स, लर्न फ्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो सीरीज के पार्ट 33 में आपका स्वागत है। आई एम परेश सोलंकी, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेनर एंड एक्सपोर्टर। ये वीडियो में आपको बताऊंगा व्हाट इज कस्टम प्रोसेस इन इंपोर्ट। यस, आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट के अंदर कस्टम का क्या प्रोसेस रहता है, ये वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। आप इंपोर्ट के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप जाइए, वहां पे आपको हाउ टू इंपोर्ट का पूरा सीरीज मिलेगा। उसके अंदर आप स्टेप बाय स्टेप जान सकते हो, इंडिया के अंदर आप इंपोर्ट करना चाहते हो तो क्या क्या प्रोसेस रहेगा वो पूरा आप डिटेल में जान सकते हो। तो हम बात करते हैं यहां पे इंपोर्ट प्रोसेस के बारे में। जब कोई बंदा इंडिया के अंदर इंपोर्ट करता है तो क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है और उसके डॉक्यूमेंटेशन। तो जब हम इंपोर्ट करते हैं ना तो जनरली डॉक्यूमेंट कौन देता है, सप्लायर देता है, एक्सपोर्टर देता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप चाइना से फर्नीचर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो फर्नीचर आप इंपोर्ट करो उसके जो डॉक्यूमेंट है कौन देगा, सप्लायर आपको देगा। तो फर्नीचर इंपोर्ट के जैसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको कुरियर से मिल जाते हैं, आपको क्या करना है, सीएचए को अपॉइंट करना है। और सीएचए जो है क्या करेगा, जो आपका इंपोर्ट कार्गो है उसका इंपोर्ट का कस्टम क्लियरेंस करेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट रेडी करना है और उसको सीएचए को देना है। जब एक बार आपका कार्गो जो है पोर्ट पे आ जाए, आप एडवांस में भी बिल ऑफ एंट्री फाइल कर सकते हो। एक्सपोर्ट करते हैं तो शिपिंग बिल फाइल होता है, एक्सपोर्ट कार्गो को कस्टम क्लियरेंस करने के लिए कस्टम में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसे शिपिंग बिल बोलते हैं। और इंपोर्ट कार्गो को कस्टम क्लियरेंस करने के लिए कस्टम में एक एप्लीकेशन फाइल की जाती है उसे बिल ऑफ एंट्री बोलते हैं। तो आपका जो सीएचए है आपके बिहाफ पे कस्टम के अंदर बिल ऑफ एंट्री फाइल करेगा और जो है इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस का पूरा प्रोसेस करेगा। जैसे बिल ऑफ एंट्री फाइल होगा फिर आपका इंपोर्ट ड्यूटी जनरेट हो जाएगा कि आपका जो कार्गो आया है उसके ऊपर कितना इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, वो आपको ऑनलाइन कस्टम की जो वेबसाइट आइसगेट की वेबसाइट पे ऑनलाइन ही आपको पे करना है तो आप पे कर सकते हो। जैसे ही आपका बिल ऑफ एंट्री फाइल हो जाता है तो ड्यूटी भी जनरेट हो जाएगा और आपका जो है कार्गो असेसमेंट में जाएगा, मतलब कस्टम के जो ऑफिसर्स होंगे वो आपका कार्गो को इंस्पेक्ट करेंगे, पूरा चेक करेंगे कि इसमें कोई गोलमाल तो नहीं है, जो आपने बिल ऑफ एंट्री के अंदर इंफॉर्मेशन दी है वो सब सही है, मैच हो रही है। देखिए इसमें क्या होगा कि आपने बिल ऑफ एंट्री में फाइल किया है कि 100 टेबल है तो वो चेक करेंगे 100 टेबल है या ज्यादा है, आप कुछ स्मगलिंग तो नहीं करो, टेबल के अंदर कोई और चीज तो नहीं ला रहे हो, तो कस्टम में पूरा चेक होगा। वो डिपेंड रहेगा कि आपका कंटेनर जो है कस्टम के अंदर खुलेगा नहीं खुलेगा, वो कस्टम के ऊपर है कि कौन सा कंटेनर खोलना है, कौन सा 100% इंस्पेक्शन करना है। मतलब 100% इंस्पेक्शन मतलब क्या हुआ, आपका इंपोर्ट कंटेनर खोला जाएगा उसमें से सारा कार्गो बाहर निकाला जाएगा, उसके बाद जो है कोई भी बॉक्स कस्टम ऑफिसर को जो भी लगेगा वो बॉक्स खोल के पूरा चेक करेंगे, उसको बोलते हैं 100% इंस्पेक्शन। तो वो भी कस्टम वाले कर सकते हैं, डिपेंड, वो सब कंट्री का ऐसा नहीं करते, पर अगर कभी आपके कंट्री का नंबर लग गया तो 100% इंस्पेक्शन के लिए भी आपका कार्गो जो है कस्टम के अंदर खुल सकता है। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं आपको बता दूं ये कस्टम का प्रोसेस है, पार्ट ऑफ प्रोसेस है। कभी कभी क्या होता है कई लोग स्मगलिंग वगैरह करते हैं तो उसको पकड़ने के लिए कस्टम जो है रेंडमली ये सारी चीजें करता है। तो इसके अंदर जेन्युइन इंपोर्टर को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जो भी खोल के देखना है आप देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो कार्गो है कस्टम प्रोसेस में जाएगा, कस्टम ऑफिसर उसको चेक करेगा और उसमें सैंपल भी उठाएगा, उसका टेस्टिंग भी करेगा कि इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से क्वालिटी है या नहीं है, तो कस्टम वाले उसका टेस्टिंग भी करेंगे। अगर आप फूड आइटम इंपोर्ट करते हो, फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हो तो कस्टम वाले भी चेक करेंगे और फसाई डिपार्टमेंट जो इंडिया के अंदर वो भी चेक करेगा और उसमें से सैंपल भी उठाएगा और लैब में भेजेगा कि जो फूड प्रोडक्ट है वो क्वालिटी प्रोडक्ट है, इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से है। उसके बाद वो सब सही रिपोर्ट आएंगे, उसके बाद जो है वो कस्टम क्लियरेंस आपको देंगे। और कई बार क्या करते हैं, वो कस्टम क्लियरेंस तो आपको दे देंगे, कस्टम क्लियरेंस जो है आपको दे देंगे बट बोलेंगे कि आप ये फूड प्रोडक्ट को मार्केट में बेच नहीं सकते, जब तक रिपोर्ट नहीं आता है तब तक वो प्रोडक्ट को आपको मार्केट के अंदर बेचना नहीं है, आपका रिपोर्ट सही सलामत आ जाए उसके बाद ही जो है आपको मार्केट के अंदर प्रोडक्ट को बेचना है। और कभी कभी रिपोर्ट गलत आते हैं, क्वालिटी नहीं होता है तो प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय भी करना पड़ता है। तो इंपोर्ट के अंदर जो है इतना नॉर्मल प्रोसेस होता है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है, कस्टम का प्रोसेस का पार्ट है, तो ये रोज का काम है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। पर क्या है, जो दो नंबर वाले लोग हैं उसको कस्टम को पकड़ना है तो थोड़ा स्ट्रिक रहते हैं, पूरा चेक करते हैं। तो यहाँ पे जो है जेन्युइन लोगों को कोई टेंशन की बात नहीं है, आपका कार्गो जो है उसका असेसमेंट वगैरह सब होगा, चेकिंग होगा, उसके बाद आपको इंपोर्ट ड्यूटी भरना है और आपका कार्गो जो है इंपोर्ट कस्टम क्लियरेंस हो जाएगा और आप जो है आपके कार्गो को अपनी फैक्ट्री और वेयरहाउस पे ला सकते हो। और मैं आपको बता दूं यहां पे इंडिया के अंदर इंपोर्ट में भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। देखिए इंपोर्ट करने से क्या होता है, फॉरेन करेंसी बाहर जाती है, पर इंडिया में देखो एज ए बिजनेसमैन आप बिजनेस करना चाहते हो, क्योंकि इंडिया के अंदर 130 करोड़ का पॉपुलेशन है तो इंपोर्ट
इंपोर्ट के अंदर भी अच्छी अपॉर्चुनिटी, आप कुछ भी इंपोर्ट करोगे यहाँ पे लोग बाय करने के लिए रेडी है। इंडिया के अंदर हर क्लास के लोग है, मतलब महंगी चीजें भी इंडिया के अंदर बिकेगी और सस्ती प्रोडक्ट भी इंडिया के अंदर बिकेगी, तो आप जो है इंपोर्ट करके अच्छा बिजनेस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस करना बहुत ही सरल है, यहाँ पे सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बने हुए, तो कोई भी बंदा रूल्स एंड रेगुलेशन को पढ़ के सीख के और उसको फॉलो करके अच्छा एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस कर सकता है। और एक्सपोर्टर बनने के लिए आपके पास यहाँ पे पूरा नॉलेज होना चाहिए, आधा नॉलेज यहाँ पे नहीं चलेगा। मैं आपको पहले ही बताता हूँ कि पूरा नॉलेज दीजिए, उसके बाद ये बिजनेस में आइए। और ये बिजनेस के अंदर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, $1 million का बिजनेस नहीं है, ये $1 billion and $1 trillion का बिजनेस है। यहाँ पे प्रॉफिट भी अच्छा है, बिजनेस भी अच्छा है, आप दुनिया भी घूम सकते हो और अच्छे एक सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बन सकते हो। तो राइट नॉलेज लीजिए, राइट मेंटर के साथ आगे बढ़िए और सक्सेसफुल एक्सपोर्टर बनिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या आप स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना चाहते हो? देन जॉइन एडवांस लेवल एक्सपोर्ट इंपोर्ट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एवरीथिंग अबाउट एक्सपोर्ट इंपोर्ट, जिसके अंदर 100% एक्सपोर्ट इंपोर्ट सिखाने का गारंटी है विथ लाइफ टाइम सपोर्ट। टू रजिस्टर्ड कॉल नाउ, लेट्स गो ग्लोबल टूगेदर। थैंक यू।